से ऋषि शंकर मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए ऋषि जी। राजीव रंजन जी ने बिल्कुल सही कहा। ये बातें अजीत पवार उस समय भी कहे थे, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूंगा। और मेरा एक उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अजीत पवार के नाराजगी के बाद सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे और क्या कहते हैं जो ये सांसद है संजय राउत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अजीत पवार कहीं नहीं होते हैं। तब जब अजीत पवार संजय राउत पे नाराजगी व्यक्त करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो पार्टी में जो सुप्रिया सुले वर्सेस और क्या कहते हैं अजीत पवार का जो खेल चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं एनसीपी में एक 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 बड़ा मूवमेंट है कि ऐसा कहा जा रहा है कि 30-40 विधायक अजीत पवार के साथ है। लेकिन जहां तक मैं शरद पवार को समझता हूँ, शरद पवार वह नेता है जिनको नरेंद्र मोदी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी से लेके बाल ठाकरे तक, इंदिरा गांधी तक सम्मान करती थी। वह शरद पवार है जो इंदिरा गांधी को चैलेंज करते हुए चंद्रशेखर साहब के साथ मिलकर कमलापति त्रिपाठी को चुनाव उन्होंने हरा दिया था। ये वह शरद पवार है जो चंद्रशेखर के मामले में राजीव गांधी से नाराजगी व्यक्त करते हैं, सोनिया गांधी का विरोध करते हैं, फिर उसी सोनिया गांधी के साथ UK1 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो शरद पवार के राजनीतिक चाल का कोई निशानी नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। लेकिन यह भी हकीकत है कि शरद पवार के बाद एनसीपी में सबसे कोई पॉपुलर नेता है वो है अजीत पवार जी। दूसरी तरफ शरद पवार की मजबूरी है कि अपने बेटी को वो आगे करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रफ्ता कसी एनसीपी में जरूर चल रही है। और बीजेपी चाहती है, क्योंकि यूपीए का एक महत्वपूर्ण घटक है एनसीपी, अभी एनसीपी के एक महत्वपूर्ण घटक को बीजेपी तोड़ने में लोकसभा चुनाव से पहले सक्सेस होती है, तो इसका काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं विश्वास पाठक जी से लूंगी। जो आपने ऋषि शंकर मिश्रा जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी तो चाहती है कि एमबीए में फूट पड़े और शिवसेना अलग हो जाए इस महागठबंधन से, मैं जल्दी से विश्वास जी आपके पास आती हूँ। क्लाइड जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, जल्दी से कीजिए सर। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश में एक कहावत है फ्लाई ऑन द वॉल, ठीक है, मतलब ये काफी सारे लोग है ना, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से बात करते कि वो ये सोच रहे, ये बोल रहे, ये बोल रहे, मतलब घर में फ्लाई ऑन द वॉल, मतलब कहीं बैठकर सुन रहे क्या पता नहीं मुझे। दूसरी बात ऐसा है कि नहीं सुन लीजिए, अभी मैं आप बात कर रहे, मैंने बीच में नहीं बोला, आदर से बता रहा हूँ आपको, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो काफी सारे लोग ऐसे बात कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी, अगर नाराजगी की बात है तो आप देखिए एकनाथ शिंदे ग्रुप में वहां पर शिरसाट जी है, गुलाबराव पाटिल जी है, वो भी नाराज है, और वहां के लोग अभी भी नाराज है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, तो नाराज है। तो आते 15 दिन में कुछ भी हो सकता है, वहीं से भी लोग नाराज की करके नहीं। देखिए क्लाइड जी, ये बात आप अपने मुंह से ही बोल रहे हैं, जो ऋषि जी बोल रहे हैं वो बात ठीक है, फिर बहुत सारी धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी हुई होती है, आप एग्जांपल भी दे रहे हैं। ऋषि जी मैं आती हूँ, विश्वास पाठक जी का रुख कर लेती हूँ, फिर आती हूँ, एक मिनट सर। हाँ, तो उनके वहां आग लगी है ना, आग उनके वहां लगी है, नहीं आग उनके वहां लगी है, तो उनको पहले अपना आग बुझाने के कहिए, उनको अपना आग बुझाने कहिए, आग वहां पर लगी है, होने वाला था ये पास सही है। ये बैठक गुरुवार को होने वाला था, उसमें अजीत पवार ने आने का मंजूरी दे दिया था, लेकिन एकाएक क्या हुआ, तो प्रवक्ता साहब बताएंगे एकाएक क्या हुआ, जो बैठक गुरुवार को होने वाला था वो बैठक आज हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आती हूँ, आप कहाँ रहते हो क्लाइड जी, एक मिनट दोबारा आऊंगी, उसका जवाब आपसे लूंगी। एंकर जी, इनको पूछिए, ये कहने नहीं, ये एक मिनट नहीं, इन्होंने आक्षेप लगाया, उन्होंने आक्षेप लगाया, मुझे जवाब देना, मुझे पूछना है कि ये कहाँ रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं क्या, बंबई में रहते हैं, मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यालय में काम करते हैं क्या, नहीं मुंबई 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 राष्ट्रवादी के कार्यालय में काम करते हैं जहां पर अप्रूवल आते हैं, राजीव क्लाइंट जी मेरे सहयोगी राजीव ने मुंबई कार्यालय में बैठे रहते हैं, जानने के लिए किसने अप्रूवल दिया, लास्ट मिनट की कोशिश, थोड़ा सोच के बात करिए, पहले जो हुआ वो भी सच साबित ही हुआ ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।